हेलो एवरीवन, क्लास फोर्थ। नाउ इट्स टाइम टू मैथ्स स्टडी। सो ओपन योर मैथ्स बुक, कम टू द चैप्टर नंबर 18। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कैलेंडर, डेज एंड वीक। स्टूडेंट, देर आर 7 डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। दीज आर मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। स्टूडेंट्स, ईच डे फॉलो द नेक्स्ट डे वन बाय वन। स्टूडेंट, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वाइल संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। हेयर मंथ्स एंड ईयर, देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। हेयर जनवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी हैज 31 डेज, फेबररी हैज 28 और 29 डेज, मार्च हैज 31 डेज, अप्रैल हैज 30 डेज, मई हैज 31 डेज, जून हैज 30 डेज, जुलाई हैज 31 डेज, अगस्त हैज ऑल्सो 31 डेज, सेप्टेम्बर हैज 30 डेज, अक्टूबर हैज 31 डेज, नवंबर हैज 30 डेज एंड दिसंबर हैज 31 डेज। Now come to the exercise number 1. Which of the following are leap years? Students, here question number A, 1992, 1986, 2006 and 2012. आपको इनमें leap year बताना है कि इन चारों में leap year कौन से, ordinary year कौन से। Students, leap year वो होता है जिस year में हमारे पास February में 29 days होते हैं। सो स्टूडेंट्स, लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये आपका प्रॉपर 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये आपका लीप ईयर है। अगर 4 से डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बच जाता है, तो ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है। 1992 को हमने 4 से डिवाइड करा, जो कि हमारा प्रॉपर कट हो रहा है, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, जिसका आंसर आ रहा है 498। तो ये हमारा क्या हुआ, लीप ईयर हुआ। 1986 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पर हमारा 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं हुआ, ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर हुआ। 2006 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो ये भी हमारा ऑर्डिनरी ईयर हुआ, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड 4 से नहीं हुआ है। 2012 हमारा कम्प्लीटली 4 से डिवाइडेड है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लीप ईयर है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2nd अक्टूबर इन अ सर्टेन ईयर वॉज थर्सडे। अगर 2nd अक्टूबर को थर्सडे है सर्टेन ईयर में, सो फाइंड द डेज ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो आपको 12th ऑफ जनवरी का बताना है कि क्या दिन रहेगा, 12th ऑफ जनवरी को कौन सा डे रहेगा। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर, 12th जनवरी है संडे। क्या रहेगा हमारा, संडे रहेगा। सो स्टूडेंट्स, हेयर यू विल राइट संडे। हेयर 26th ऑफ जून को कौन सा डे रहेगा। स्टूडेंट्स, 26th जून को हमारा रहेगा थर्सडे, 25th ऑफ दिसंबर को भी हमारा रहेगा थर्सडे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डेज वर देयर इन द फेब्रुअरी 2008 में फेब्रुअरी में टोटल कितने डेज थे। स्टूडेंट, 2008 के कैलेंडर में फेब्रुअरी में 29 डेज थे। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज द 17th अगस्त टुडे। अगर आज 17th अगस्त को, आज 17 अगस्त है, श्वेता इज गोइंग टू अपियर इन एन एग्जामिनेशन। श्वेता एक एग्जामिनेशन देने जा रही है, विच विल बी हेल्ड ऑन 5th ऑफ अक्टूबर। वो कब होगा, 5th ऑफ अक्टूबर को होगा। हाउ मेनी डेज श्वेता प्रिपरेशन, श्वेता हैज फॉर प्रिपरेशन, श्वेता के पास कितने दिन है प्रिपरेशन करने के लिए। 17th अगस्त तक हो चुका है स्टूडेंट्स, टोटल हमारे अगस्त में डेज होते हैं 31 में से 17 चला गया, बचे हमारे 14 डेज, 30 डेज रहेंगे हमारे सितंबर में, 5 डेज रहेंगे हमारे अक्टूबर में, टोटल डेज हो जाएंगे श्वेता के पास प्रिपरेशन करने के लिए 49 डेज। क्वेश्चन नंबर 5, द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एट प्रजापति मैदान न्यू दिल्ली स्टार्टेड ऑन दिसंबर 14 एंड एंडेड ऑन दिसंबर 25, हाउ लॉन्ग द ट्रेड फेयर कंटिन्यू। आपको ये बताना है, स्टार्ट हुआ था आपका दिसंबर 14 और चला वो दिसंबर 25 तक, तो आपको ये बताना है उसने कितने दिन तक कंटिन्यू करा। टोटल डेज हमारे कितने होते हैं, 31 होते हैं, बट हमारा 25 में से कितने दिन चला है, 14 डेज से हमारा 14th ऑफ दिसंबर से 25th ऑफ दिसंबर तक चला है, तो हमारा ये चला है, कंटिन्यू किया है इसने 12 डेज तक। मिसेज वाजपेयी 9th ऑफ सेप्टेम्बर को गई थी, तो सेप्टेम्बर में वो रही हैं 21 डेज और अक्टूबर में रही हैं वो 12 डेज, तो टोटल हो गए आपके 33 डेज।